नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। भिंड में स्टूडेंट की साइकिलें चोरी होने की वारदात पिछले लंबे समय से हो रही है। भिंड पुलिस साइकिल चोरी की वारदात को हल्के में लेती रही। बीते रोज भिंड पुलिस के हाथ में एक युवक लगा, जिससे पुलिस ने चोरी की गई 16 साइकिल कबूल करवाई है। वहीं 11 साइकिल आरोपी से बरामद भी कर चुकी है। चोरी की गई साइकिल बरामद होने के उनके असली मालिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस पूर्व में दिए गए आवेदनों को तलाश कर फरियादी को FIR के लिए बुला रही है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक कुशवाहा कॉलोनी में किराए के मकान में मुरैना जिले के पोरसा थाना गांव के मानपुरा का रहने वाला सौरभ पुत्र जितेंद्र जाटव रहता था। ये युवक BSc की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के बहाने रहता था। आरोपी हाउसिंग कॉलोनी में कोचिंग क्लासों के आसपास घूमता रहता था। जिस साइकिल में लॉक नहीं होता था उसे चोरी करके लाता था। इसके बाद वो अपने रूम व घर पर रख लेता था, जिसे सस्ते दामों में बेचने की बात कही जा रही है। साइकिल बरामदी की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस फरियादियों को पुलिस ने बुलाया। छात्रा सालनी जोशी का कहना है कि मेरी 20 जुलाई को साइकिल हुई थी। इसके बाद आवेदन पुलिस ने ले लिया था। आवेदन पर कोई सील नहीं लगाई थी। आज उसे सूचना मिली थी, वह साइकिल की तलाश में आई थी, परंतु इन साइकिलों में उसकी कोई साइकिल नहीं थी। पूरे मामले में कोतवाली थाना के SI आलोक सिंह भदौरिया का कहना है कि एक छात्र से हाउसिंग कॉलोनी से चोरी होने वाली 11 साइकिलें मिली है। फरियादियों को बुलाकर साइकिल की पहचान कराई जा रही है। आरोपी से 1.5 लाख कीमत की साइकिलें मिल चुकी हैं। 6 साइकिलें मिलना बाकी हैं। आरोपी ने कुल 16 साइकिलें चोरी होना कबूल किया। हमारी चोरी 23 जुलाई को हुई थी। लक्ष्य कॉम्पिटिशन हम पढ़ते हैं, वही मॉर्निंग के टाइम में सुबह 8 से लेकर 9 के बीच और यहाँ पे हमने आवेदन दिया, आवेदन दर्ज कराया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं ली गई। अभी तक हमारी साइकिल नहीं लगाए और उन्होंने सूचना दी कि कुशवाहा कॉलोनी में लड़का है जो आए दिन रोज नई नई साइकिल लेके आ रहा है, जिसे कल मुखबिर की सूचना में पकड़ा। उसे पूछताछ की और घर की तलाशी ली तो 11 साइकिल उसे घर से मिली और उस पूछताछ में उसने बताया कि 5 साइकिल उसने मणिपुरा में अपने जो पैतृक उसका गाँव है।